हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे SCR, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा SCR, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, जैसे हम शॉर्ट में SCR भी बोलते हैं। ये उसका बेसिक कंस्ट्रक्शन है, पर उसके कंस्ट्रक्शन पे आने से पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, SCR के बारे में। जैसे कि इसका नाम है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, इसका मतलब ये सिलिकॉन से बना हुआ है, सिलिकॉन से, ठीक है, जर्मेनियम से नहीं बना हुआ है। ठीक है, उसके भी कारण होंगे, वो भी हम पढ़ चुके हैं, होते हैं फर्स्ट ईयर में भी, कि सिलिकॉन को क्यों प्रेफर किया जाता है जर्मेनियम के ऊपर। ठीक है, उसके कुछ पॉइंट्स थे, तो वो सब हम फर्स्ट ईयर से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें लिखा कंट्रोल रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर आप सब जानते हैं, रेक्टिफायर्स क्या होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर में आपके सेंटर टाइप होता है और आपका ब्रिज रेक्टिफायर होता है। ठीक है, तो रेक्टिफायर का काम क्या होता है, रेक्टिफिकेशन करना। रेक्टिफिकेशन मतलब AC को DC के फॉर्म में लेके आना। जैसे एक सिंपल डायोड भी रेक्टिफिकेशन का काम करता है, एक नॉर्मल सा डायोड है, और यहाँ से अगर आपने एक AC वेव भेज दी है, आपने एक AC वेव भेजी है, तो यहाँ पे जो आपको मिलने वाला है सिर्फ ऊपर वाला पार्ट मिलने वाला है, नीचे वाला नहीं मिलेगा। क्योंकि जब ये पॉजिटिव साइकिल में होगा, अगर मैं सिंपल इससे बात करूँ, जब ये पॉजिटिव साइड में होगा तभी ये डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, जब ये नेगेटिव वाले पार्ट में आएगा तब ये डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका पॉजिटिव पार्ट ही आने वाला है, इसका नेगेटिव वाला पार्ट नहीं आने वाला है। तो ऐसे आपको ये हाफ वेव मिल जाती थी, ठीक है, ऐसा करके आप हाफ की हाफ वेव बन जाती थी। तो इस तरीके से इसमें रेक्टिफिकेशन होता था कि आप AC को DC बनाने की प्रोसेस में ये डायोड का इस्तेमाल होता था, और भी होते थे, ट्रांसफार्मर होते थे, एंड में रजिस्टर होता था, वो सब ठीक है, वो समझ आती हैं बातें। मेन ये डायोड ही था जो रेक्टिफिकेशन का काम कर रहा है। ठीक है, पॉजिटिव साइड को जो है वो आगे फॉरवर्ड कर देगा, पर नेगेटिव वाले को नहीं करेगा, क्योंकि पॉजिटिव वाले में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, नेगेटिव वाले में ओपन सर्किट हो जाता है। ये सब भी हमने फर्स्ट सेकंड ईयर में देखा है। ठीक है, अब इसमें जो वेव बनती थी, इसमें जो इनकम एवरेज वैल्यू, DC वैल्यू, RMS वैल्यू, कई सारे वैल्यूज निकालते थे। इस जो ये वेव बनेगी, इसकी कुछ ना कुछ एवरेज वैल्यू होगी, DC वैल्यू होगी, इस वेव की कुछ ना कुछ आपकी RMS वैल्यू भी होगी, तो उनकी वैल्यूज जो निकालते थे, फॉर्मूले होते थे कुछ। ठीक है, तो जैसे DC वैल्यू की बात कर लेते हैं, तो इसमें जो DC वैल्यू निकल के आती थी, जितना कि याद है मुझे, वो VM/π समथिंग ये आती थी। आपकी जो हाफ वेव होती थी, उसमें जो DC वैल्यू या एवरेज वैल्यू DC वैल्यू एक ही बात है, तो जो निकल के आती थी VM/π आती थी। तो यहाँ पे जो पाई है ये भी फिक्स है, और VM आपका होता था एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल, पीक एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल। ये जो आपका VM है, ये पीक एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल होता था, तो जहाँ से आप भेजते थे। इसका कुछ ना कुछ ये प्लस VM, ये नीचे वाला पार्ट माइनस VM, ठीक है, तो ये उसका पीक एम्पलीट्यूड होता था। तो ये जो VDC एवरेज वैल्यू आप अगर आप ध्यान से देखें, तो ये फिक्स रहेगी, क्योंकि VM भी फिक्स है, पाई भी फिक्स है, क्योंकि जो यहाँ से इनपुट सिग्नल आने वाला है उसका VM जो भी फिक्स है वो वही होने वाला है। हाँ, अनटिल और अनलेस आप मैसेज का पीक ना बदल दो। अगर आपने मैसेज का पीक बदल दिया, उसका पीक एम्पलीट्यूड, तो यहाँ पर वैल्यू बदल जाएगी। ठीक है, पर एक बार अगर सिग्नल आ गया, तो उसके बाद फिर उसकी VDC तो कॉन्स्टेंट ही होने वाला है, मतलब वो नहीं बदलेगा। जैसा VM है वही का वही रहने वाला है। VM अगर मान लेते हैं उसके ये पीक जा रहा है 10 वोल्ट तक, तो 10/π जो भी सॉल्व करके आएगा वो VDC उसका निकल के आ जाएगा, वो उसकी एवरेज वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, पर इसे कहते हैं अनकंट्रोल्ड रेक्टिफिकेशन, क्योंकि रेक्टिफाई तो आपने करा है पर कोई कंट्रोलिंग नहीं है। कंट्रोलिंग मतलब कि आप इसकी DC वैल्यू में कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, वो जो आनी है वही आएगी। ठीक है, वो जो आपने इनपुट में भेजा उसी पर डिपेंड करेगा, VM/π ही निकल के आने वाली है। पर अगर आप सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का इस्तेमाल करते हैं, तो यही काम जो आप डायोड से करा रहे थे, अगर यहाँ पे मैं एक SCR लगा दूंगा, तो ये जो DC वैल्यू आप देख रहे हैं VM/π जो कि फिक्स है, क्योंकि VM भी फिक्स है और पाई भी फिक्स है, तो उसको मैं बदल सकता हूँ अपनी मर्जी से। उसकी जो DC वैल्यू है मैं कुछ भी बना सकता हूँ, चेंजेस कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा फैक्टर आ जाएगा साथ में जो कि आप उसे कंट्रोल कर सकते हो, कुछ ना कुछ ऐसा फैक्टर आ जाएगा जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो। उसको कंट्रोल करने की वजह से आप इधर भी कंट्रोल कर लोगे, मतलब DC वैल्यू आपकी कंट्रोल की जा सकती है, आपकी RMS वैल्यू भी कंट्रोल की जा सकती है। तो मतलब आप रेक्टिफिकेशन तो कर रहे हो, साथ ही साथ आप कंट्रोलिंग भी करोगे। कंट्रोलिंग कैसे, कि इन वैल्यूज़ को आप अपने मुताबिक बदल सकते हो बिना यहाँ से इनपुट को चेंज किए हुए। ठीक है, इनपुट आपका वही आने वाला है, आप यहाँ पर फ्री भी वैल्यूज़ को बदल सकते हो। हो सकता है इसे 3VM/π बना दो, हो सकता है ऐसे 5VM/π बना दो, हो सकता है ऐसे VM/π बना दो। तो आप कुछ भी चेंजेस ला सकते हो उसकी DC वैल्यूज़ में या इसकी RMS वैल्यूज़ में। ठीक है, तो वो चेंजेस आप जो लाते हो वो किसकी मदद से ला सकते हो, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। मतलब आपका रेक्टिफिकेशन तो होगा, पर इस बार अनकंट्रोल्ड नहीं, इस बार कंट्रोल्ड होगा, वो आपकी मर्जी पे है।
आप पे डिपेंड कर सकता है, मतलब करेगा कि आप किस तरीके से उसे कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है। तो मेन मकसद हमारा सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर पढ़ने का ये है कि हम इसमें आगे देखेंगे कि किस तरीके से कंट्रोल करता है, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। पर सबसे पहले हमें उसका बेसिक पता होना ज़रूरी है कि उसकी वर्किंग क्या होती है। जब तक हम उसकी वर्किंग को या उसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन को नहीं समझेंगे, तब तक आप उसकी एप्लीकेशन को नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो उसकी एप्लीकेशन जो होने वाली है वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले उसके बेसिक स्ट्रक्चर पर आते हैं। तो आपका जो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है वो ये होता है, ठीक है। उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? PNPN, ठीक है। ये आपके चार लेयर होती हैं, एक लेयर ये, दूसरी, तीसरी, चौथी, ठीक है। टोटल फोर लेयर्स होती हैं। इन फोर लेयर्स में PNPN आपको दिख रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे फोर लेयर को ऐसे सैंडविच कर दूंगा, तो यहाँ पे जो जंक्शन बनने वाले हैं, कितने जंक्शन बनेंगे अगर ध्यान से देखें तो मेरे जो जंक्शन बनने वाले हैं वो यहाँ पे बनेंगे तीन। टोटल मिला के मेरे जो जंक्शन बनेंगे वो बनेंगे यहाँ पे तीन। एक आपका हो जाएगा ये J1, एक आपका हो जाएगा J2, और ये हो जाएगा आपका J3। जैसे कि हम जानते हैं PN जंक्शन डायोड में जंक्शन कहाँ बनता है? जहाँ पे PNN आके मिलते हैं। तो यहाँ पे जंक्शन यहीं पे बनेगा, यहाँ पे जंक्शन यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे जंक्शन यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल मिला के अगर बात करें, इसमें जंक्शन कितने होते हैं? 3। इसमें जंक्शन होते हैं 3। लेयर्स कितनी होती हैं? लेयर्स होती हैं 4, क्योंकि PNPN यहाँ पे आपके 4 लेयर्स है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके टर्मिनल्स कितने हैं इस SCR में? आपके टर्मिनल्स कितने हैं, कितने इसके सिरे हैं, ठीक है, कितने इसके सिरे हैं वो देखेंगे। तो वो हमारे हैं 3। एक आपका एनोड, एक आपका K4 कैथोड। यहाँ पे आपका एनोड, वैसे कैथोड की स्पेलिंग सी से होती है, पर जब उसे डिनोट करते हैं तो K से करते हैं, ठीक है। एनोड, कैथोड और आपका गेट, एक टर्मिनल एक्स्ट्रा आ जाता है, गेट। अगर आप ध्यान देंगे, जो PN जंक्शन डायोड होता था हमारा सिंपल, जो मैंने अभी बनाया भी था, तो उसमें दो ही टर्मिनल होते थे, एक एनोड, एक आपका कैथोड, ठीक है। इसमें दो टर्मिनल तो है, एनोड भी है, कैथोड भी है, पर साथ में एक और टर्मिनल जुड़ गया, गेट। तो ये जो टर्मिनल जुड़ा एक्स्ट्रा, यही वो कंट्रोलिंग का काम करेगा, जो मैं आपको पहले बता रहा था कि नॉर्मल डायोड वो नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे एक टर्मिनल और जुड़ जाएगा इन दोनों के अलावा, जो कि बोलते हैं जैसे गेट, वो कंट्रोलिंग का काम करेगा। उसी की कंट्रोलिंग की वजह से मैं इनकी DC वैल्यूज़ को, RMS वैल्यू को अलग अलग बना सकता हूँ, ठीक है, उसमें चेंजेस ला सकता हूँ, ठीक है। तो आपका ये जो गेट है, ये बहुत मेन टर्मिनल है इस पूरे SCR में, क्योंकि ये बहुत काम आएगा, कुछ जो सारे कंट्रोलिंग के जो काम होंगे ज़्यादातर वो इसी से होने वाले हैं, गेट से, ठीक है। अभी एनोड कैथोड है, तो चलिए अभी थोड़ा सा बेसिक करते हैं। लेट सपोज मान लेते हैं, अच्छा यहाँ पे टर्मिनल्स कितने हो जाएंगे? 3। तो 3 टर्मिनल्स हैं, 3 जंक्शन हैं, और लेयर्स हो जाएंगी आपकी टोटल मिला के 4, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें जो हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि अगर मान लेते हैं मैं इसके एनोड और कैथोड में कुछ वोल्टेज सप्लाई दे दूँ, तब ये किस तरीके से बिहेव करेगा? अभी मान लीजिए गेट है ही नहीं, ठीक है। हम सपोज करते हैं कि गेट, मैंने अभी गेट पे कुछ भी अप्लाई नहीं करा है, ठीक है। जब तक कि मैं इसमें कुछ अप्लाई नहीं करूँगा, तो इसका होना ना होना बराबर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब तक कुछ एप्लीकेशन नहीं होने वाला, तो ये टर्मिनल खाली छोड़ा पड़ा है, तो ओपन सर्किट ही रहेगा, तो कुछ काम का नहीं है, ठीक है। तो अब वैसे ही सेम ये बाकी टर्मिनल भी वही है, अगर मैं एनोड कैथोड में कोई वोल्टेज नहीं देने वाला, तो SCR कुछ करने नहीं वाला, ये बस ऐसे का ऐसे पड़ा रहेगा, ठीक है, ऐसे का ऐसे बैठा रहेगा। तो मुझे इसे काम करवाना, इससे तो मुझे कुछ ना कुछ बाइजिंग करनी पड़ेगी, सप्लाई देनी पड़ेगी, तो मैं अब यहाँ पर सप्लाई देता हूँ। तो सबसे पहले मान लेते हैं मैं गेट पर कोई सप्लाई नहीं दे रहा, ठीक है, मेरी जो सप्लाई है यहाँ पे वो सिर्फ एनोड और कैथोड को देने वाला है। तो अगर मैं एनोड को मान लेते हैं मैं यहाँ पे पॉजिटिव दे देता हूँ और यहाँ पे नेगेटिव दे देता हूँ, ठीक है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। तो जैसे ही मैं इसे पॉजिटिव नेगेटिव दूंगा, तो जो जंक्शन वन है मेरा, ध्यान देंगे तो उसमें पी साइड को पॉजिटिव मिल रहा है, तो जंक्शन वन मेरा हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, ठीक है। जो मेरा जंक्शन टू है, अगर ध्यान देंगे तो मेरे को लगेगा शायद जंक्शन टू, ध्यान तो इसमें सही से पता नहीं चलेगा, पर लोग कुछ ना कुछ लॉजिक लगाते हैं, तो मुझे लगेगा J2 है रिवर्स बायस, और J3 जो मेरा होगा, क्योंकि N को नेगेटिव मिल रहा है, तो ये वाला जो जंक्शन होने वाला है ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। तो इसमें मेरे दो जंक्शन फॉरवर्ड बायस हैं, एक जंक्शन मेरा रिवर्स बायस है, बीच वाला रिवर्स बायस, ऊपर नीचे वाले फॉरवर्ड बायस, ठीक है। अब सबके दिमाग में क्या आया होगा, मेरे भी दिमाग में पहले वही आया था कि P को पॉजिटिव है तो पक्का, अब ये जो PN है, P को पॉजिटिव मिल रहा पक्का, ये जंक्शन तो फॉरवर्ड बायस ही होने वाला है, ठीक है। उसके बाद J3 की बात करते हैं, N को नेगेटिव मिल रहा है, इसका मतलब J3 भी पक्का फॉरवर्ड बायस होने वाला है, क्योंकि उसको N को नेगेटिव मिल रहा है। अब जो बीच वाला NP है, उसके लिए लोगों ने थोड़ा बहुत, सब ने जो सोचा, मैंने भी जो पहले सोचा, बाकियों के दिमाग में भी पहले जो मैंने बच्चों से क्वेश्चन करे हैं पहले, तो उनके दिमाग में आया ये कि भैया पी को यहाँ से नेगेटिव मिल रहा है और एन को यहाँ से पॉजिटिव मिल रहा है, तो वो हो जाएगा रिवर्स बायस।
ठीक है, कि बी को यहाँ से नेगेटिव मिल रहा है, एन को वहाँ से पॉजिटिव मिल रहा है, तो रिवर्स बायस हो जाएगा। तो उस कंडीशन में उन्होंने रिवर्स बायस बोल दिया। होगा तो यही, ये फॉरवर्ड होगा, ये रिवर्स होगा, ये फॉरवर्ड होगा, ठीक है। पर ये तरीका नहीं है इसे जानने का, ठीक है। तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, वो तरीका मैं आपको बताता हूँ कि अगर ऐसे लाइन से अगर आपको बहुत सारे पी एन मिल गए, ठीक है। अभी तो मैंने यहाँ पर चार लेयर बनाई है, पर इन केस मैं यहाँ पर 8, 10, 12 बना दूँ तो उसमें फिर बताना और मुश्किल हो जाएगा। समझ ही नहीं आएगा बीच वाले को मैं क्या, जो बहुत ही बीच में होगा कहीं, उस जंक्शन को समझ ही नहीं आएगा मैं उसको फॉरवर्ड मानूँ कि रिवर्स मानूँ। वो तो चार लेयर थी तो ईजी लगा, ठीक है। पर अगर आपके सामने ऐसे 10-12 लेयर्स भी आ जाए तो आप उसको क्लियरली बता सको कि कौन सा जंक्शन फॉरवर्ड होगा और कौन सा जंक्शन आपका रिवर्स बायस होगा। तो वो एक मेथड है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। अभी मैं इस जो मैंने डायग्राम बना रखा है SCR का, इसे मैंने वर्टिकल शेप में बना रखा है, वर्टिकली। इसे हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं समझाऊंगा हॉरिजॉन्टल करके इसे, मतलब इसे मैं लेटा दूंगा, ठीक है। तो हम वहाँ पे मैं आपको वो कंसेप्ट बताता हूँ, छोटा सा है, जिसे आप बता सकते हैं कि कौन सा जंक्शन एग्जैक्टली क्या होने वाला है, फॉरवर्ड की रिवर्स, ठीक है। चाहे कितने भी आपको लेयर्स दे दी जाए, 10 दे दी जाए चाहे 12 दे दी जाए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि कैसे उस तरीके से हम जान सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम उस कंसेप्ट को समझते हैं, ठीक है। मैंने आपका जो SCR है उसे हॉरिजॉन्टल यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। वो कैथोड है, ये आपका एनोड है, ये आपका गेट है, ठीक है। PN, ठीक है। तो ये मैंने उसे जो स्ट्रेट था वो मैंने वर्टिकल था उसे मैंने हॉरिजॉन्टल करके यहाँ पे रख दिया है। पर अब उसे बताते हैं आपको वो कंसेप्ट कि किस तरीके से आप बता सकते हैं कौन सा जंक्शन फॉरवर्ड होगा, कौन सा रिवर्स होगा, अगर लेयर ज़्यादा हो तो भी, ठीक है। तो सबसे पहले एक बेसिक सी चीज़ आपको पता भी होगी, वैसे बता भी देता हूँ। जैसे आपका कोई सेमीकंडक्टर है पी और एन, ठीक है, तो इसका भी अपना एक रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टिविटी होगी इसकी भी अपनी। तो यहाँ पे आपने अगर मान लेते हैं मैंने यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई दे दी है प्लस माइनस, और यहाँ पे मैंने 5 वोल्ट दे दिया, ठीक है। कुछ इस तरीके से देख लीजिए, अगर मैंने यहाँ पे बैटरी लगा दी, ठीक है, और ये बैटरी लगाने में प्लस इस तरफ है, माइनस इस तरफ है, और ये आपका 5 वोल्ट है। तो अगर मैं बात करूँगा कि अगर मैंने इस तरीके से बैटरी लगा दी है इस सेमीकंडक्टर के साथ में, तो एक बैटरी मैंने लगा दी 5 वोल्ट, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो वोल्टेज होने वाली है, इस पॉइंट पे यहाँ से जो मिलना है वो प्लस 5 मिलेगा, और इस पॉइंट पे जो भी वोल्टेज होगी वो होगी 0, ठीक है। क्योंकि बिल्कुल देखिए बिल्कुल शॉर्ट ही तो है रास्ता, बीच में कुछ आया नहीं है, तो ये पॉइंट पे जो भी वोल्टेज होगी उस पॉइंट पे भी होगी। तो ये इधर 0 तो उधर भी 0, इधर प्लस 5, इधर प्लस 5 तो इधर भी प्लस 5। अभी जो पी और एन सेमीकंडक्टर टाइप का जो भी आपका सेमीकंडक्टर है, तो इसका भी अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो ये जो पूरा जो रास्ता है ये एक तरह से रेजिस्टेंस ही है, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा पूरे रास्ते में, पूरा रास्ता आपका रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस में आप जानते हैं वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक है। तो वोल्टेज ड्रॉप होता है तो इसका मतलब अगर इस पॉइंट पर 5 है, अगर मान लो स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर भी 5 ही है क्योंकि अभी उसने अंदर गया नहीं है करंट, तो जैसे ही आपका करंट अंदर जाएगा तो 5 वोल्ट तो यहाँ पे है, पर धीरे धीरे करके जैसे आपके रेजिस्टेंस आ गए हैं, तो अगर 5 यहाँ पे है तो इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ 4 होगा, ठीक है, क्योंकि पीछे एक वोल्टेज का ड्रॉप हो गया है। आगे गया तो इस पॉइंट पे 3 वोल्ट मिलेगा, आगे गया तो इस पॉइंट पे 2 मिलेगा, आगे गया इस पॉइंट पे 1 वोल्ट मिलेगा अगर मैं यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाता हूँ तो, और इस पॉइंट पे गया तो 0 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपकी वोल्टेज आगे आगे जाते जाते डिक्रीमेंट होता रहता है क्योंकि पीछे वोल्टेज ड्रॉप होता जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 5 था, 1 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ पे हो गया तो 4 मिलेगा आगे, फिर 1 वोल्ट का ड्रॉप और हो गया तो फिर 3 वोल्ट मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि एक यहाँ ड्रॉप हो गया था, एक यहाँ ड्रॉप हो गया था तो बचा 3, फिर एक ड्रॉप और हो गया, फिर 2 वोल्ट यहाँ मिलेगा, फिर बचा और फिर ड्रॉप हुआ, फिर 1 वोल्ट आगे मिलेगा। तो इस तरीके से आपकी वोल्टेज डिक्रीमेंट होती जाएगी, एट द एंड आप 0 पे आ जाओगे क्योंकि पूरा का पूरा 5 वोल्ट यहाँ पे यूज़ हो गया, पूरे के पूरे रेजिस्टेंस में 5 वोल्ट यूज़ हो चुका है। तो आगे यहाँ पे क्या मिलने वाला आपको, 0 वोल्ट, ठीक है। तो वही कंसेप्ट जो मैं यहाँ पे आपको एक सेमीकंडक्टर से बताया वो यहाँ पे भी अप्लाई होगा। अब ये पूरा PN है तो पूरा रेजिस्टेंस होगा आपका बीच में, ये रेजिस्टेंस, इसका अपना रेजिस्टेंस, फिर ये रेजिस्टेंस, फिर ये आपका रेजिस्टेंस, तो ये पूरा रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ से आपने मान लेते हैं 5 वोल्ट दिया, 5 वोल्ट दिया तो इस पॉइंट पे तो 5 वोल्ट ही आने वाला है। अब आगे जाते जाते इस पॉइंट पे जो वोल्टेज मिलने वाली है मान लेते हैं वो मिलेगी 4, ठीक है। तो ऑब्वियसली आगे वाले पॉइंट पे जाके वो वोल्टेज और कम मिलेगी, तो इस पॉइंट पे वोल्टेज मान लेते हैं इधर अगर कहीं तो वो 3 वोल्ट। तो अगर इस जंक्शन की बात करें, इस वाले जंक्शन की J1 की, तो अगर मैं J1 की बात करता हूँ तो J1 को इस तरफ से क्या वोल्टेज मिल रही है, 4 वोल्ट, ठीक है, और उसके उधर से क्या मिल रही है, 3 वोल्ट। तो ऑब्वियसली ये जो जंक्शन होने वाला है वो क्या होने वाला है, फॉरवर्ड बायस। तो आपका जो J1 होने वाला है यहाँ पे, J1 की वैल्यू कितनी निकल के, मतलब जो आएगा वो क्या आएगा, फॉरवर्ड बायस, FB मैंने लिख दिया FB, क्योंकि वो फॉरवर्ड बायस होने वाला है। उसके बाद में आगे गया, 3 वोल्ट यहाँ मिल रहा है तो आगे जाके ड्रॉप होके मान लेते हैं इस पॉइंट पे 2 वोल्ट मिल रहा है, सेम आगे जाके मान लेते हैं इस पॉइंट पे 1 वोल्ट मिल रहा है, एंड पे जाके 0। तो
इस जंक्शन को J2 को अपने लेफ्ट साइड में कितना वोल्ट मिल रहा है 3 और अपने राइट साइड में कितना वोल्ट मिल रहा है 2, तो जब जंक्शन में यहाँ पे 3 मिल रहा है यहाँ पे 2 मिल रहा है तो ऑब्वियसली ये जो जंक्शन है वो क्या होने वाला है, वो भी अगर ध्यान देंगे इसमें तो क्या होने वाला है, वो भी मैंने बोल के गलती कर दी, क्योंकि वो भी मतलब कि वो भी फॉरवर्ड बायस होगा, पर वो फॉरवर्ड बायस नहीं होगा क्योंकि एन साइड में कितना वोल्ट है 3 और पी साइड में कितना वोल्ट है 2, तो एन साइड की वोल्टेज पी साइड की वोल्टेज से ज़्यादा है, इसका मतलब कि ये होने वाला है रिवर्स बायस। तो आपका J2 जंक्शन हो जाएगा रिवर्स बायस क्योंकि एन साइड की वोल्टेज पी साइड से ज़्यादा है, ठीक है। फिर आगे जाके फिर ड्रॉप हो गया इधर, तो बची कुची वोल्टेज आगे मिलेगी एन को, तो इस जंक्शन के लिए पी साइड में 2 वोल्टेज है और एन साइड में 1 वोल्ट है, तो इसका मतलब J3 जो मेरा होने वाला है वो हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि कौन सा जंक्शन फॉरवर्ड बायस होने वाला है और कौन सा जंक्शन रिवर्स बायस होने वाला है, ठीक है। ये एक मेथड होता है क्योंकि सबका अपना अपना एक रेजिस्टेंस भी होगा सेमीकंडक्टर का, और वो जैसे जैसे आगे करंट जाएगा तो पीछे ड्रॉप होता जाएगा, तो बची हुई वोल्टेज ही आगे जाने वाली है, बची हुई वोल्टेज ही आगे जाने वाली है क्योंकि पीछे कुछ ना कुछ ड्रॉप होता जाएगा। तो यहाँ से 5 आया तो आगे 4 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, फिर 2, फिर 1, फिर 0, ठीक है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कौन सा जंक्शन फॉरवर्ड बायस है और कौन सा जंक्शन रिवर्स बायस है, ठीक है। तो ये एक मेन कंसेप्ट था इस पर समझने के लिए कि आपका SCR कब फॉरवर्ड, कौन सा जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा, कौन सा जंक्शन रिवर्स बायस होगा। अब वापस से मैं इसे वर्टिकल बना के हम वापस से इसकी वर्किंग पे आ जाते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से ये काम करेगा, इसका ग्राफ भी बनाएंगे हम, ठीक है। अब इसकी वर्किंग समझेंगे। ये बेसिक स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया क्या होता है, PNPN 4 लेयर 3 टर्मिनल्स और आपके 3 जंक्शन 3 टर्मिनल्स और आपके 4 लेयर, ठीक है। और कैसे निकालते हैं फॉरवर्ड रिवर्स बायस, वो भी ये एक सिंपल सा फंडा है। आपको कितनी भी लेयर्स दी गई होंगी आपके लिए कोई मुश्किल नहीं, आप आराम से ऐसा बता सकते हो, ठीक है। बस एक लेट सपोज यहाँ से कोई वोल्टेज सेलेक्ट कर लेना कि मैंने इतनी वोल्टेज की सप्लाई यहाँ से दी है, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। दैट्स इट। तो अभी के लिए तो इतना ही है, इसके आगे फिर हम देखेंगे इसकी वर्किंग किस तरीके से होती है, कितने मोड्स में ये काम करता है, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।